नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नैनो स्टडी पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से आसानी से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको चरण दर चरण बताएंगे कि आप कैसे ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक विश्वसनीय ब्रोकरेज ऐप चुनना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रो एंजल वन, स्टॉक्स, डीमेट, शेयर मार्केट, ग्रो एंजल वन, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऑप स्टॉक डाउनलोड कर लेंगे। आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद से क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इसमें एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आप फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, दस्तावेज अपलोड करना है, ठीक है। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद से क्या होगा, आपके ब्रोकरेज की तरफ से वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन सेट करना है, ठीक है। अगर आप पहले से बनाए हुए हैं तो यहाँ पे आप अपना पुराना वाला पिन डालेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेट करने को कहेगा, यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, डन हो गया। यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड करेंगे, अलाउ कर देंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, अपने पसंदीदा स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे निफ्टी 50 का दिया गया है, निफ्टी बैंक का दिया गया है। देखिए निफ्टी बैंक अभी इसका 0.01% जो है डाउन चल रहा है, और निफ्टी 50 जो है 0.12% का इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, निफ्टी बैंक का चार्ट देखना है, तो निफ्टी बैंक पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका चार्ट, यहाँ पे समरी दिखाई दे रहा है इसका, और यहाँ पे चार्ट इस पे क्लिक करेंगे, इसका चार्ट शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका चार्ट शो हो रहा है। उसके बाद से आप इसका ऑप्शन चयन देख सकते हैं। ऑप्शन चयन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्राइस शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ ये होता है इन द मनी, ठीक है। ये येलो वाला जो दिखाई दे रहा है ये इन द मनी, इसके नीचे वाला जो है ये वाला आउट ऑफ द मनी होता है, ओटीएम होता है, और ये आईटीएम होता है। जो बीच वाला होता है ये वो एटीएम होता है, यानी एट द मनी, ठीक है। अब आपको बता दें, आपको हमेशा क्या लेना है, इन द मनी लेना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या बुक करना है, कॉल ऑप्शन को बुक करना है, बाय करना है, ठीक है। और जब आपको लगे कि शेयर मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है, ठीक है। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो मार्केट जैसे नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो मार्केट जो है अगर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट में बढ़ोतरी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट में जैसे देख सकते हैं क्या शो हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। जैसे पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए आप कौन सा बुक करेंगे, इसमें इन द मनी को बाय करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप आउट ऑफ द मनी को बाय करेंगे, तो आउट ऑफ मनी को बाय करेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। हमेशा ये लॉस, इसमें ज्यादा लॉस होते हैं, ठीक है। आपको इन द मनी को बाय करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 305 रुपये का शेयर है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालना है 15, एक लॉट बराबर 15 होता है। अगर एक लॉट लेंगे तो आपको 15 क्वांटिटी में बाय करना होगा, ठीक है। दो लॉट लेंगे 30 क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आपको एक ही लॉट लेना है, एक ही लॉट से शुरुआत करना है। एक लॉट कितने का पड़ेगा आपका, 4,568 रुपये का, ठीक है। रिव्यू एंड बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है।
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीवरी दो ऑप्शन दिए गए हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। आपको क्या करना है, इंट्राडे करना है तो इंट्राडे भी करेंगे, डिलीवरी करना है डिलीवरी कर देंगे। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर टाइप देखिए, मार्केट है और लिमिट है। यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है 304 रुपये तक होगी हमको बाय करना है, इसलिए लिमिट लगा के आप वो बाय करेंगे तो जैसे ही मार्केट 304 रुपये पर जाएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका 304 रुपये पर प्राइस जाएगा तो आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फेल्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसमें एड बैलेंस नहीं किया है, अपने पोर्टफोलियो में जो है क्या नहीं किया है, बैलेंस फंड एड नहीं किया है। ठीक है, आपको पहले फंड एड करना होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपका शो होने लगे कितना आपका लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा। देखिए अभी मार्केट जो है, मार्केट में जो है क्या है, इतने का लॉस दिखाई दे रहा है। हमने 304 रुपये का वो लिया था लेकिन इस समय रेट हो गया 342। नौ परसेंट का लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर आपका बाय हो जाएगा तो भी ऐसे ही दिखाई देगा कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, ये था प्रोसेस कैसे बाय करना है। अब आपको आपके मोबाइल ऐप की सुरक्षा के लिए कुछ टिप्स बता दे रहा है। सबसे पहले आपको मजबूत पासवर्ड लगाना है। ठीक है, उसके बाद से ऐप को हमेशा अपडेट करते रहना है और हमेशा पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना करें और अपने ही नेटवर्क पे ट्रेड करें। ठीक है, सुरक्षित नेटवर्क पर ही ट्रेड करें, कभी भी पब्लिक वाईफाई का उपयोग करके ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। यह थी हमारी आज की गाइड, मोबाइल से ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आपके कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद।